वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, चमत्कारी टोटके में हम आपको बताते हैं चमत्कारी टोटके असरदार उपाय, कुछ ऐसे असरदार उपाय जो आपकी जीवन की हर परेशानी को दूर कर देंगे। इन टोटकों को अपनाकर आप अपनी जीवन की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने चमत्कारी टोटके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, आज के हमारे चमत्कारी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं नवरात्रि के शुभ दिनों में भूल कर भी ना करें ये कार्य। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और अगर आप जानना चाहते हैं कि नवरात्रि के शुभ दिनों में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। नवरात्रों के साथ ही हिंदू नव संवत्सर शुरू हो जाता है जिसकी शुरुआत 28 मार्च से होती है। चैत्र महीने में आने वाले नवरात्रों को वार्षिक नवरात्रि भी कहा जाता है। 9 दिन तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के होने वाली ये आराधना साल के 2 पखवाड़ों में अहम होती है। एक आराधना को चैत्र माह को और दूसरी शारदीय नवरात्र को जो कि अश्विन माह में मनाया जाता है। 28 मार्च से शुरू होने वाले ये चैत्र नवरात्र 5 अप्रैल तक चलेंगे। नवरात्रों में क्या करें, आइए दोस्तों जानते हैं कि नवरात्रों में क्या करना चाहिए। नवरात्रों में प्रतिदिन व्यक्ति को माता के मंदिर में जाकर माता का ध्यान करना चाहिए और अपने एवं परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि प्रतिदिन साफ जल नवरात्रों में माता को अर्पित किया जाता रहे तो इस कार्य से माता अधिक प्रसन्न हो जाती है। यदि आप घर पर ही हैं और बाहर नहीं जाना है तो आपको स्वच्छता की दृष्टि से नंगे पैर रहना चाहिए, साथ ही साफ और पवित्र कपड़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। आज ये बात भी विज्ञान मानने लगा है कि यदि व्यक्ति उपवास करता है तो इस कार्य से शरीर की सफाई हो जाती है। दूसरी तरफ भक्ति की दृष्टि से भी उपवास बहुत महत्वपूर्ण बताए गए हैं। आज कलयुग में उपवास एक तरह की तपस्या ही है। नवरात्रों में व्यक्ति को 9 दिनों तक देवी माँ का श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में माँ को चोला, फूलों की माला, हार और नए नए कपड़ों से माता का श्रृंगार करना चाहिए। माता के 8वें दिन माता की विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, इसे शुभ बताया जाता है। इस पूजा के लिए यदि किसी ब्राह्मण की मदद ली जाए तो उत्तम रहता है और यदि ब्राह्मण ना मिले तो खुद से माता स्रोत का पाठ और ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि में माता जी की अखंड ज्योति यदि देसी गाय के घी से जलाई जाए तो ये माता को बहुत प्रसन्न करती है, लेकिन अगर गाय का घी नहीं है तो अन्य घी से भी माता की अखंड ज्योति पूजा स्थान पर जरूर जलानी चाहिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि नवरात्रों में क्या नहीं करना चाहिए। घर में यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं भी रख रहा है तब भी उसके लिए बनने वाला भोजन सात्विक होना चाहिए। 9 दिनों तक घर में छौंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में घर के अंदर लहसुन और प्याज प्रयोग नहीं करना चाहिए। नवरात्रों में व्यक्ति को दाढ़ी, नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए। शास्त्रों ने इस कार्य को नवरात्रों में साफ मना किया है। दोस्तों, माता के 9 दिनों तक मनुष्य को मांस और मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन 9 दिनों में हर व्यक्ति को ब्रह्मचार्य का व्रत पालन करना चाहिए। घट स्थापना करने की विधि, आइए दोस्तों जानते हैं कि घट स्थापना करने की विधि क्या है। नवरात्रों की प्रतिपदा को मां शैलपुत्री की पूजा होती है और इसी के साथ 9 दिन की नवरात्रों का आगाज हो जाता है। 28 मार्च मंगलवार से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इस दिन घट स्थापना करने के साथ ही शुरू हो जाएगी मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना। नवरात्र के पहले दिन यानी 28 मार्च को प्रतिपदा तिथि है। इस दिन होने वाली मां शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चौकी पर मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की प्रतिमा को स्थापित करने के बाद उसे गंगा जल या गौमूत्र शुद्ध करें और घट कलश की स्थापना करें। व्रत और उपासना का संकल्प लेकर मां को धूप, दीप, फूल, फल, पान, आभूषण और आरती करके प्रसाद वितरण करके पूजा संपन्न करें। मिट्टी के कलश या वेदी बनाकर उसमें जौ, गेहूं को बोएं और उसके ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पत्थर या चित्रमयी मूर्ति रखें और इसे 9 दिन तक स्नान करवाएं।
पूजा में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन व मार्कंडेय पुराणांतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिनों तक रोज करें। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 8:26 से 10:24 तक है। पहले दिन माता दुर्गा की प्रतिमा तथा घट स्थापना की जाती है। इसके बाद ही नवरात्र उत्सव का प्रारंभ होता है। पूजन सात्विक हो, राजसी या तामसिक नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नवरात्र व्रत के आरंभ में स्वास्तिक वाचन, शांति पाठ करके संकल्प करें और सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा कर मार्तिका, लोकपाल, नवग्रह व वरुण का सविधि पूजन करें। फिर मुख्य मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करें। इच्छानुसार फल प्राप्ति के लिए विशेष मंत्र से अनुष्ठान करना या योग्य वैदिक पंडित से विशेष मंत्र से अनुष्ठान करवाना चाहिए। इस आसान विधि से माँ दुर्गा की आरती करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आसान विधि कौन सी है माँ दुर्गा की आरती के लिए। आरती के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। विशेष ध्यान देने योग्य बात ये है कि देवताओं के सम्मुख 14 बार आरती उतारनी चाहिए। 4 बार चरणों पर से, 2 बार नाभि पर से, 1 बार मुख पर से तथा 7 बार पूरे शरीर पर से आरती करने का नियम है। आरती की बत्तियां 1, 5, 7 अर्थात विषम संख्या में ही बत्तियां बनाकर आरती की जानी चाहिए। 5 अप्रैल को नवरात्र के अंतिम दिन राम नवमी होगी। पूजा का मुहूर्त सुबह 11:09 से 1:38 तक का है। माता के 9 रूप, माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन की पूजा, माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा, माता चंद्रघंटा नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा, माता कूष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन की पूजा, माता स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन की पूजा, माता कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन की पूजा, माता कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा, माता महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा, माता सिद्धिदात्री नवरात्रि के अंतिम दिन की पूजा। तो दोस्तों, ये थे नवरात्रि से जुड़े कुछ शुभ और अशुभ कार्य जिन्हें आपको ध्यान से करना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय व सुझाव हमें लिखकर भेजें तथा नवरात्रि से जुड़े अगर आप कुछ और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर भेजें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के और चमत्कारी टोटके देखने के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ।